चार दिन पहले थाना बटगांव क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान दलितों और ठाकुरों के बीच संघर्ष हुआ था। संघर्ष के दौरान एक युवक की मौत हुई थी। दर्जनों घरों को उपद्रवियों द्वारा फूंक दिया गया था। इस घटना के विरुद्ध में दलित संगठन गांधी पार्क में इकट्ठा हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी थाना सदर बाजार के गांव रामनगर में इकट्ठा हो गए और वहां पुलिस चौकी को फूंक दिया। यही नहीं, मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मी की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारी लगातार इकट्ठा होना शुरू हो गए और देखते ही देखते सामने पुलिस फोर्स पर हमलावर हो गए। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि उपद्रवियों ने खुलेआम पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हिंसक भीड़ के सामने पुलिस भाग खड़ी हुई। एक डिप्टी एसपी को भीड़ ने बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। रास्ते में खड़े वाहनों को तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। करीब एक दर्जन दो पहिया वाहनों के साथ एक बस और एक कार को भी आग के हवाले किया गया। डीएम एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने कुछ दलित नेताओं को भी हिरासत में लिया है।